So hi everyone, how are you all? So here I am with कि आपको लास्ट 20 डेज में एज योर एग्ज़ाम डेट्स आर डिसाइडेड 28 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो लास्ट 20 डेज में आपको लूसेंट से क्या क्या पढ़ना है दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, तो आई गेस सबके पास लूसेंट होगी. ठीक है, तो दिस इज लूसेंट. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ इंडियन हिस्ट्री. ओके, तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले जो है वो एंशिएंट इंडिया है. इसमें से हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसको छोड़ना मत, ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना एंड दिस टेबल, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ओके, देन कमिंग टू आपने इंडस वैली पूरा पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद ये आपको छोड़ना है क्योंकि लास्ट 20 डेज में आप अगर लूसेंट पढ़ने बैठे पूरी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, यू हैव टू स्टडी स्मार्टली. ओके, उसके बाद वैदिक कल्चर में आ जाओ, वैदिक कल्चर में पूरा पढ़ लो, ठीक है, उपनिषद्स वगैरह, क्योंकि मुंडक उपनिषद वाला क्वेश्चन पहले आया था, ठीक है. उसके बाद ये है आपका, हाँ, ये सारे वेद्स, कितने टाइप्स के वेद होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद. अथर्वेद फिर ऋग्वेद में क्या होता है, सामवेद में क्या होता है, यजुर्वेद में क्या होता है, अथर्वेद में क्या होता है, राइट. जैसे जो ऋग्वेद होता है उसको हम लोग उस वेद में कलेक्शन ऑफ लिरिक्स होता है, ठीक है, फर्स्ट. सामवेद बुक ऑफ चैंट्स होती है, ठीक है, यजुर्वेद बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स, और अथर्वेद बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, ठीक है, इसको आप अपने उसमें याद कर सकते हो अपने वर्ड्स में, ठीक. उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसके बाद पूरा, हाँ, दिस टेबल, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल. ओके, इसको याद करना है, ठीक. इसको याद करने के बाद जल्दी जल्दी करती हूँ कि मुझे पूरा बताना है आपको इसी वीडियो में. इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना तो पता चल जाएगा आपको क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वरना आप पूरे 20 डेज में इस लूसेंट ही करते रह जाओगे, ठीक है. फिर अच्छा, यहाँ पे आपने आ जाना है लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है. लेटर वैदिक पीरियड में देख लेती हूँ इधर कुछ, अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, हिंदू मैरिजेस, कितने मैरिजेस के टाइप्स ऑफ मैरिजेस होती हैं, ठीक है, ठीक, ये रहा पूरा मैरिजेस के टाइप्स. ओके, उसके बाद आ जाओ, यस, दिस वन, महाजनपद पीरियड्स. ओके, इसमें कितने सारे जनपद्स थे, ठीक है, टोटल 16 जनपद्स थे ना, तो वो पूरे याद करने हैं, ठीक है. गंधार, तक्षशिला में, कंबोज, राजपुर. उसके बाद आ जाओ मगध डायनेस्टी का कैसे वो होता है, राइज होता है. उसके बाद सबसे फर्स्ट जो डायनेस्टी आई थी वो थी हरियंग डायनेस्टी. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी दिस वेरी थॉरली, ठीक है. फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी, हरियंग डायनेस्टी. फिर उसके बाद हरियंग में बिंबिसार, फिर उसका बेटा अजातशत्रु, ये पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है. अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद शिशुनाग, फिर नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, मतलब हरियंग के बाद शिशुनाग आ गया था, उदयन का जो मिनिस्टर था वो था नागदशक, उसने उसको मार दिया था उदयन को, ठीक है. और फिर वो उसने एक वो अपनी डायनेस्टी फॉर्म की थी शिशुनाग, ठीक. उसके बाद नंदा डायनेस्टी हो गया, उसके बाद इन्वेजन्स हुए, ठीक है, पर्शियन इन्वेजन हुआ, ठीक, जो हमारा हिंदुस्तान था उस टाइम. फिर ये मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर ने भी आके फाइट किया था यहाँ पे, ठीक. फिर अलेक्जेंडर, फिर यहाँ पे बुद्धिज़्म स्टार्ट हो गया, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक. बुद्धिज़्म आपने पूरा पढ़ लेना है यहाँ से, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक आया नहीं है इसमें से कुछ, लेकिन हाँ, बुद्धिज़्म में उनके पेरेंट्स का नाम, उनके बेटे का नाम, बुद्ध जी का बॉर्न कहाँ हुए थे, कहाँ उनकी डेथ हुई थी, उनके बॉर्न होने को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब, ठीक है. उसके बाद दिस टेबल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड और फोर्थ कहाँ पर हुई थी, फर्स्ट राजगीर में हुई थी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर, ठीक है, अपने तरीके से याद कर सकते. फिर उसके बाद होते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, कौन कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर है, त्रिपिटका, फिर, ठीक है. इसके बाद सेक्शंस इन बुद्धिज़्म, हीनयान और एक और होता है महायान, ठीक है, ये हो गया. फिर ये आपको पढ़ने के बाद यहाँ से, हाँ, या दिस वन, दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर आप आ जाओ जैनिज़्म पे, जैनिज़्म में कितने तीर्थंकर्स थे, फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और 23rd पार्श्वनाथ, और 24th महावीर, यही 3 याद करने हैं आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा माथा कुछ नहीं करनी है.
ये तीन इंपॉर्टेंट ही याद करने हैं, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाना टेबल से, ठीक है? फिर जैसे बुद्धिज़्म में उनके बारे में पढ़ा था, वैसे महावीर जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद जिन जो बुद्धिज़्म टाइप ऑफ नॉलेज, इनमें से आपको ये सब छोड़ देना है। यस, काउंसिल्स, जैसे बुद्धिज़्म में काउंसिल्स थी वैसे जैनिज़्म में भी है। वेन यू फर्स्ट काउंसिल जो थी वो पाटलिपुत्र में थी, सेकेंड वल्लभी। फिर उसके बाद जैसे हमने बुद्धिज़्म में सेक्शंस पढ़े थे वैसे सेक्शन लें जैनिज़्म, श्वेतांबर और दिगांबर, ठीक है? ये पढ़ लेना है। इसके बाद ये सब छोड़ देना आप, इसमें इतना इम्पोर्टेंट आता नहीं है। मैंने इसमें जो जो आता है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है? वरना हाँ ये पढ़ लेना, पीरियड्स पढ़ लेना है कि हरियंग डायनेस्टी के बाद मौर्यन पीरियड आया, फिर मौर्यन के बाद मौर्यन का हाँ मौर्यन में सबसे जो इम्पोर्टेंट थे वो थे अशोक, उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है? कलिंग वॉर हुआ था उनके टाइम पे, अशोक के टाइम पे, अशोक कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाओ मौर्यन डायनेस्टी में कौन कौन था सबसे पहले, ठीक है? पहले मौर्यन डायनेस्टी के जो वो थे रूलर थे, जो मौर्यन डायनेस्टी के रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार, फिर अशोक। अशोक बहुत ही अच्छे रूलर थे, उन्होंने जब कलिंग वॉर हुआ था उनके पीछे भी कहानी है। अशोक अशोक किसी से बहुत ज़्यादा, एक लेडी थी उनको वॉर में मिली थी तो उनको उससे प्यार हो गया था, लेकिन उस टाइम वो बहुत छोटे थे तो उनके पापा ने उनको कलिंग अभी उड़ीसा में है ना, उड़ीसा से कहीं और भेज दिया था, लेकिन जब वो फिर से आते हैं कलिंग को, वो उनके फादर कहते हैं कि कलिंग को आज तक कोई नहीं जीत पाया, अशोक तुम जाओ जीतने, तो फिर वो जाते हैं कलिंग को वॉर करने, बहुत मारकाट करते हैं, बहुत मारकाट करते हैं। जब लास्ट में सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं तब एक लेडी आती है, वो अपना मतलब कवर अनवील करती है अपने आप को, फिर उसमें से निकल, फिर एक लेडी आती है वो अनवील करती है अपने आप को, तो वो देखते हैं कि वो तो वही लेडी है। फिर वो क्या करते हैं, उनके पास एक आते हैं जो उनको उनकी जो मतलब आंखें खोल देते हैं लाइक, तो उनका नाम होता है, एक मिनट, उनका नाम ना मुझे याद नहीं आ रहा है, यू जस्ट कमेंट डाउन बिलो। फिर वो उनको मोटिवेट करते हैं, फिर वो अशोक जाके वेरीगोशा से धम्मगोशा में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वेरीगोशा मतलब वायलेंस, धम्मगोशा मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है? तो वैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे इनका वो हुआ था अशोक का। फिर लेटर मॉडर्न पीरियड्स में क्या होता है, डिक्लाइन करने लगती है, ठीक है? लास्ट जो रूलर थे इस डायनेस्टी के वो थे बृहद्रथ, ठीक है? इसके बाद ये मॉडर्न डायनेस्टी डिक्लाइन करने लग जाती है। इसके बाद आपको ये नहीं पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एक मिनट, हाँ, अब मॉडर्न डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, ठीक है? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कौन सा, गुप्ता पीरियड, ठीक है? प्री गुप्ता पीरियड में संग डायनेस्टी आती है, मॉडर्न के बाद संग डायनेस्टी आती है, ठीक है? फिर संग डायनेस्टी, आपको ये याद रखना है ऑर्डर की कौन सी डायनेस्टी किसके बाद है, ठीक है? फिर कन डायनेस्टी, फिर सतवाहन, इसे करके ये सारा पढ़ लेना है, ठीक है? डायनेस्टी सारी याद रखनी है, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, इंडो ग्रीक ये हुआ था, ठीक, इंडो ग्रीक। फिर इसके बाद हाँ, इसके बाद आपका संगम पीरियड, ये याद कर लेना, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ऑर्डर्स याद रखने हैं किसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई। फिर उसके बाद आ जाओ आप गुप्ता पीरियड पे, ठीक है? गुप्ता पीरियड के जितने भी रूलर्स थे उनके नाम ये दे रखे हैं, ये याद कर लेना, बाकी फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, इसमें ना सबके नाम दिए हुए थे, चंद्रगुप्त को क्या बोलते थे, जैसे चंद्रगुप्त का नाम एक था, यहाँ पर जो फर्स्ट रूलर जो था चंद्रगुप्त, इनका महाराजा धीराज नाम था, वैसे सब ने अपने नाम अलग अलग नाम दे रखे थे, ठीक है? वो याद कर लेना आपको। उसके बाद आपने पूरा ये पढ़ लेना है, लास्ट रूलर कौन था, पूरा याद कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको गुप्ता पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है? इसके बाद आप लोग गुप्ता पीरियड के बाद आ जाओ पोस्ट गुप्ता पीरियड या वर्धन डायनेस्टी, ठीक है? ये वर्धन डायनेस्टी, इसको देख लेना है। उसके बाद सीट्स चालुक्य आते हैं इसके बाद, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको स्टार्टिंग में जो जो बताया है वो इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ मेडिवल इंडिया पे, ठीक है? मेडिवल इंडिया में सबसे फर्स्ट जो थे वो पलास थे, फिर प्रतिहराज थे, ये पूरा पढ़ लेना है। पृथ्वीराज चौहान, या दिस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ये पृथ्वीराज चौहान वाला बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है? उसके बाद आप आ जाओ सुल्तनत, हाँ दिल्ली सल्तनत,
दिस, इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है इस वाले से। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो रूलर थे वो, जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के सबसे फर्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको लाख बख्श भी कहते थे। लाख बख्श क्यों कहते थे, क्योंकि इनके पास जितना पैसा था लोगों को बांटते रहते थे। ठीक है, ऐसे थे ये। ठीक, उसके बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, ये राजस्थान दिल्ली में है जो, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनवाया था, ये पूरा याद कर लेना। फिर आ गया इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश इन्होंने क्या क्या बनवाया था, ठीक, पूरा कुतुब मीनार बनवाया था इन्होंने। उसके बाद आ जाओ आप ये रुकनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान को इन्होंने मार दिया था, ठीक, बहुत बेरहमी से, क्योंकि ये एक लेडी रूलर थी, फर्स्ट लेडी रूलर है, इतना याद रखना, रजिया सुल्तान वो था फर्स्ट लेडी रूलर। ओके, फिर बहरम शाह, महमूद शाह, ये सब तो इनके भाई थे, ऐसे थे। फिर आते हैं बलवान, ठीक है, बलवान ये भी बहुत सही रूलर थे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ खिलजी डायनेस्टी पे, खिलजी पद्मावत मूवी तो देखी होगी, जलालुद्दीन खिलजी, खुदा की हर नायाब चीज़ पे जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी का हक है, सॉरी। हाँ, तो खिलजी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, जिनको मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके मामा की बेटी से ही शादी कर ली थी। फिर आता है अलाउद्दीन का ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ, आज ना सिर्फ मैं हिस्ट्री का बताती हूँ, फिर अगली बार बताऊँगी, काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। फिर आ जाओ मुबारक खान पे, ठीक है, अलाउद्दीन के बाद मुबारक खान पे आ जाओ, उसके बाद यही रूलर थे मुबारक। फिर खुसराव खान, ठीक है। फिर आती है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलजी डायनेस्टी, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक डायनेस्टी, ये और याद रखना है, गियासुद्दीन तुगलक, ओके, ये इसके फर्स्ट रूलर। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक की रीन में क्या क्या हुआ। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिनके नेम पे अभी स्टेडियम था ना, फिरोज शाह स्टेडियम, जो अभी रीनेम किया गया है उसको, ठीक है। फिर आ जाओ आप फिरोज शाह तुगलक के बाद, ये पूरा पढ़ लेना। फिर अपनी जो ये डायनेस्टी है वो ख़त्म हो गई तुगलक, अब आती है सैयद डायनेस्टी, ठीक है। सैयद डायनेस्टी में सबसे फर्स्ट रूलर खिजर खान, ठीक है, खिजर खान के बाद ये जो सैयद डायनेस्टी वाले लोग थे, ये कहते थे कि ये जो प्रॉफिट मोहम्मद है ये उनके फैमिली के लोग हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद सैयद डायनेस्टी के बाद आती है लोदी डायनेस्टी, ठीक है। लोदी डायनेस्टी के आपको सारे रूलर्स पढ़ लेने हैं, कौन कौन से रूलर्स थे, पूरा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के टाइम पे हुई थी, किसके साथ, ये पूरा याद करना है आपको, ठीक है। द स्टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद करना है, ठीक है, कि कौन सी, एक बार याद नहीं तो बस इतना देख लेना कौन सी फाइट किसके साथ हुई थी, ठीक है, वॉर, ठीक है। उसके बाद हाँ, दिस टेबल, बुक्स और ऑथर्स, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है कि किसने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा मैंने कहा था ना किसने बनवाया है, तो हमने फर्स्ट में पढ़ा था अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, जो फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे। उसके बाद आप आ जाओ छोटे मोटे किंगडम्स हैं, ये पढ़ ही लेना, मैं नहीं बोलूँगी इसमें। उसके बाद भक्ति मूवमेंट, सूफी सेंट्स, ये नहीं आता ऑलमोस्ट अभी तक। फिर मुग़ल पीरियड आ जाना, ठीक है, मुग़ल पीरियड पूरा याद कर लेना, सबसे पहले बाबर आए, फिर उसके बाद बाबर के बाद, देखो मैंने ऐसे लिखा था, बाबर के बाद हुमायूं, बाबर का जो सन थे वो हुमायूं और उनका एल्डर सन अकबर, अकबर का सन सलीम, सलीम की जो बेगम थी जोधाबाई, और सलीम और जोधाबाई का जो बेटा था वो था शाहजहाँ, शाहजहाँ ने जिन्होंने ताजमहल बनाया था, शाहजहाँ ने के बेटे थे औरंगज़ेब, ठीक है। तो शाहजहाँ ये जो हैं हुमायूं दीनपना लाइब्रेरी से इनका पैर फिसल गया और इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सुरम्पायर, इसके बाद आता है सुरम्पायर में शेर शाह सूरी। उसके बाद इन्होंने जीटी रोड बनवाई थी, ये याद रखना, जीटी रोड क्वेश्चन आया था लास्ट अकबर एमिन इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद अकबर का पूरा रीन, अकबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लेना, ठीक है। अकबर बहुत अच्छे रूलर थे अपने टाइम के, इसलिए भी, और इन्होंने बहुत सारे अच्छे चीज़ की थी, जैसे दीने लाई इन्होंने, इनका एक बहुत अच्छी चीज़ थी, ये मुग़ल मतलब एक मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कभी किसी पे ज़ोर नहीं डाला कि आप इस्लाम फॉलो करो या ये, इनके टाइम पे सबको फुल फ्रीडम थी,
कि आपको क्या करना है, मतलब कौन सा रिलीजन लेना है। इन्होंने कभी किसी पे वो नहीं डाला, प्रेशर नहीं किया। इनके नवरत्न ये रहे, नाइन रत्न, बीरबल, अबुल फैजल, ठीक है, तो दुर्मल, दहशाद, फिर पूरे नाइन, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, ये सारे तुलसीदास भी इनके टाइम पे थे। इनके टाइम पे बहुत अच्छे काम हुए। अकबर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। फिर आ जाओ इनका बेटा जहांगीर, फिर ठीक, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर शाहजहां ने अपनी बेगम से याद में ताजमहल बनवा दिया था। फिर शाहजहां के बाद आते हैं औरंगज़ेब, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर, नाइन सिख गुरु जो थे, उनको कैप्चर करके उनको मरवा दिया था, ठीक है, कि आप इस्लाम फॉलो करो नहीं तो हम आपको दीवार में चिनवा देंगे, ठीक है। फिर आप लोग आ जाओ मुगल्स के बाद, लेटर मुगल्स में ये याद कर लेना, ये ऐसे ही हैं छोटे छोटे, ये सारे रूलर्स याद कर लेना जो लास्ट रूलर थे अपने मुगल पीरियड्स के। उसके बाद तो वही आ गया था ना, इंग्लिश रूल आ गया था, ये याद कर लेना, ये बुक्स के ऑथर्स के नेम सारे नहीं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर मराठा और ये जो मुग़ल पीरियड था वो एक साथ चल रहा था, ठीक है। मराठा में शिवाजी हो गए, फिर अपने सांभाजी, राजा राम, वो वाली मूवी आई थी ना अभी तानाजी, वो देख लेना, वो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। अभी मत देखने बैठ जाना, अभी टाइम नहीं है आपके पास। फिर ये पूरा मराठा पढ़ लिया आपने, मराठा के बाद ये छोड़ दो, मराठा हो गया। मराठा के बाद आपको शायद मीर कासिम या मॉडर्न इंडिया आ जाओ आप, मॉडर्न इंडिया में हाँ, यहाँ से मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, ये पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, ठीक, टीपू सुल्तान, यहाँ बहुत चीट करते थे, इंग्लिश गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है तो ये लोग चीट कर देते थे अपनी प्रजा पे, ऐसा कुछ था, ठीक है, पूरा याद कर लेना है इसको। फिर अब आ जाता है ब्रिटिश रूल यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिश रूल आता है, एक बार तो आया था ब्रिटिश रूल हुमायूं के टाइम पे 1608 में, ठीक है, हॉकिंस लेके आए थे तब, लेकिन तब ज़्यादा फैल नहीं पाया था। लेकिन अब जब ये रूलर्स थोड़े कमज़ोर पड़ गए ना, तो फिर इंग्लिश रूल आ गया, ब्रिटिश रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। उसके बाद आप आ जाओ फ्रीडम स्ट्रगल या रिवॉल्ट 1857, ठीक है। 1857 का पूरा रिवॉल्ट, म्यूटिनी की वो थे ना, इन्होंने किया था ना मंगल पांडे ने, उन्होंने बुलेट्स जो थी उसमें वो था फैट था, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया था, चलाने से मना कर दिया था, उसी के ऊपर पूरी कहानी है म्यूटिनी 1857 रिवॉल्ट। उसके उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक। उसके बाद बहादुर शाह जफर को, शाह सेकंड को रंगून भेज दिया था समथिंग 2 लाख रुपीज़ दे के, और कई जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मरवा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि वो इंडिया कैप्चर कर सके। 1857 रिवॉल्ट को सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पढ़ लेना, इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद INC, हाँ, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, AO ह्यूम थे, ठीक है, INC के, INC जो बनाई थी AO ह्यूम ने बनवाई थी 1884 में, ठीक है। उसके बाद INC के जितने भी लीडर्स थे वो पढ़ लेना। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज और दो ग्रुप्स बन गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और पेसिमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में जो लीडर्स थे वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सारे मतलब थोड़े बुढ़े टाइप्स, ठीक है। उसके बाद बंगाल पार्टीशन कब हुआ 1905 में, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। फिर सूरत स्प्लिट 1907 में INC की वो हुई थी, कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो सूरत स्प्लिट ये सब हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये गांधी रहा आ गया पूरा 1917 से 1947, गांधी जी अफ्रीका में थे जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ये पूरा उनके बारे में दे रखा है, ठीक है, पढ़ लेना। उसके बाद जब वो अफ्रीका से आए वापस, तो उन्होंने 1917 में वो अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है, तो उन्होंने चंपारण करवाया, चंपारण के बाद अहमदाबाद और खेड़ा गए, फिर रॉलेट एक्ट लाए 1919 से। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था हंटर कमीशन, वो 1919 में आया था, ठीक है, जब जलियांवाला मैसेकर हुआ था, तो
जो वो थी टीम, जो एक होती है ना, जैसे अभी हमारे यहाँ उसको हायर किया जाता है सीबीआई वगैरह किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ पे अंडर कमीशन इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, बट वो ब्रिटिशर्स के रूल में था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद पूरा ये पढ़ लेना है आपको, गांधी जी का लास्ट टाइम नाथूराम गोडसे ने मार दिया, ठीक। फिर ये पूरा पढ़ना है आपको, रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, साइमन कमीशन, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ आपको ही आएंगे, तो स्कोर्स यहाँ बनते हैं, ठीक, जहाँ पे क्वेश्चन आपको आते हैं। पूरा पढ़ना है ये डांडी मार्च, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, गांधी इम्पैक्ट, ठीक है। अभी टाइम नहीं है वरना मैं समझा देती आप लोग को ये सब, पाकिस्तान की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, बोर हो जाएंगे। ये पेपर्स, ये पेजेस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ठीक है, पूरा लास्ट तक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक पूरा पढ़ लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका हिस्ट्री पोर्शन आई गेस ख़त्म हो जाता है, एक मिनट लेट मी सी, हाँ ठीक, आपका हिस्ट्री पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बैटल्स वगैरह आप पढ़ लेना पहले से ही, और आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंसेस कहाँ कहाँ हुई थी, क्या क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट आया कहाँ, ये सब, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हिस्ट्री आज के लिए यहीं पे रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी नेक्स्ट में आपको कितना क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके, बाय, स्टे ट्यून्ड एंड वर्क हार्ड, बाय।